नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की थाना छेहरटा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 2 किलो 400 ग्राम हेरोइन की बरामद। जीरा तलवंडी रोड पर गत रात्रि अज्ञात चोरों ने गेहूं की फड़ से 150 बोरी गेहूं और टाइलों के बंडल किए चोरी, पुलिस जांच में जुटी। संगरूर के गांव खनाल कला के अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज कौर सिंह की हुई अंतिम अरदास, भारतीय सेना के प्रशासनिक राजनीतिक पदाधिकारी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना छेहरटा की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब 3 नशा तस्करों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि पुलिस चौकी गुरु की वडाली के सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी सहित गश्त के दौरान नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों को संदेह के आधार पर रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने मोटरसाइकिल को मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गए जिसे पुलिस पार्टी सहित काबू कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जोबन जीत सिंह उर्फ जोबन निवासी अमृतसर और आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश निवासी अमृतसर के तौर पर हुई है, जिनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि वे ये हेरोइन गांव मोहावा के रहने वाले अमरदीप सिंह से खरीद कर लाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान अमरदीप सिंह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 2 किलो हेरोइन और बरामद की। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से कुल 2 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इन आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे हो सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिवें कि तुहानू सारयां नू पता है कि पंजाब सरकार ने जिहड़ी हैगी नशियां दे विरुद्ध जिहड़ी है मुहिम छेड़ी हुई है। इस लड़ी दे तहत मानयोग कमिश्नर साहब श्री नौनिहाल साहब दी दिशा निर्देश हेठ जोन 2 दे विच जिहड़ा हैगा SHO छेहरटा ते इहनां दी टीम चौंकी इंचार्ज गुरु की वडाली बलविंदर सिंह ते इहनां दे ACP साहब कलप्रीत सिंह ने बहुत वधिया एक हैवी रिकवरी की है हैरोइन की, जिहदे विच असीं 2 किलो ते 400 ग्राम जिहड़ी है हैरोइन रिकवर की है। और इस दे नाल ही 3 व्यक्ति जिहड़े आ काबू किए आ, जिन्हां विचों एक जोबनजीत हैगा, एक आकाशदीप ते एक अमरदीप सिंह हैगा। और इह साडी बहुत वड्डी उपलब्धी है क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी की जिहड़ी हैगी आ खेप हैरोइन की जिहड़ी आ असीं फड़ी है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਛੇਹਰਟੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਦਮੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। गत रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा जीरा तलवंडी रोड पर स्थित गेहूं की फड़ में पड़ी 150 के करीब गेहूं की बोरियां और उस जगह पर मौजूद फर्श पर लगने वाली टाइलों के कई बंडल चोरी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए फड़ के मालिक पुनीत जैन ने बताया कि जीरा तलवंडी रोड पर उनकी गेहूं की फड़ है और साथ ही सैनिटरी से संबंधित सामान का शोरूम है, जिसका माल बड़ी मात्रा में इस फड़ पर पड़ा हुआ था। गत रात्रि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा फड़ की दीवार में सेंधमारी कर 150 के करीब गेहूं की बोरियां और फर्श पर लगने वाली टाइलों के कई बंडल चोरी कर लिए गए। वहीं इस मामले की जांच कर रहे पुलिस जांच अधिकारी ASI गुरदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह ही इस संबंधी पता चला है। उन्होंने मौके पर जाकर गहनता से जांच की है, जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। अपनी ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੜ ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਸੀ, 8:30 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਕਰੀਬਨ 4:15-4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 6-ਚੱਕੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ।
वो आई 150 बोरी एक तक कणक की लै गई जी। नाल लगभग मेरा टाइल के जोड़े डब्बे से जी 600-650 डब्बा मेरा टाइल का वह भी चक्या गया। ये भाजी मतलब मंडियां चो सारा चीज इन्ना बुरा हाल से हूँ प्राइवेट फड़ा चो भी चोर आके इस तरह दोरियां करा लगे। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जी बंदे किस तरह भज भज के इन्होंने फटाफट बोरी है जी ट्रक च पाई है जी। तो हूँ भाजी अगे कार्रवाई जो अभी साड़ी मंग है प्रशासन कह के साढ़े को एक अज सुबह इनफॉर्मेशन आई है पुनीत जैन जी वालों जो अर्थ का काम करते हैं तो उन्होंने टैंडा का भी शोरूम बनाया हुआ तो बीती रात कुछ नामलूम व्यक्ति जोड़े आने कंध के पाड़ ला के कणक दिया बोरिया टैला के कुछ डब्बे जोड़े आ वो चोरी करके लै गए सीसीटीवी फुटेज असं देख रहे जिसे एक LP ट्रक आ रहा है। संगरूर के खनाल कलां गांव के रहने वाले पद्म श्री अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज कौर सिंह का पिछले दिनों देहांत हो गया था। उन्होंने देश के लिए खेलकर पंजाब का नाम रोशन किया। उनके जीवन के आधार पर एक पंजाबी मूवी भी बन चुकी है। आज उनके गांव में अंतिम अरदास पर भारतीय सेना के अंतर्गत प्रशासनिक राजनीतिक और आसपास के लोग बड़ी गिनती में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पंजाब सरकार की ओर से विशेष तौर पर मंत्री हरपाल सिंह चीमा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुक्केबाज कौर सिंह की याद में पंजाब लेवल पर एक जगह बनाई जाएगी। पंजाब के नौजवानों को मुक्केबाज कौर सिंह से सीख लेने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने कम साधनों के चलते देश के लिए खेलकर इतना बड़ा नाम बनाया। इस दौरान उनके गांव के सरकारी स्कूल का नाम सूबेदार कौर सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया गया और कहा गया कि बच्चों को कौर सिंह की जीवनी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो जी आज बहुत दुख की गल है कि सूबेदार सरदार कौर सिंह जी साडे दरमियान नहीं रहे। सो चले हर एक ने जाना है पर तुसी ये देखो जो सरदार कौर सिंह का नाम है जा उन्होंने देश लिए किया मैनू नहीं लगता कोई करूँगा क्योंकि एक अजे पिंड उठ के इतने तक पहुँचना तो बिना किसी सहूलतों तो क्योंकि उस टाइम नहीं सहूलत सी होंगे हूँ तो बहुत सहूलत ने स्टेडियम बने हुए हैं पर उन्होंने दिनों के कोई सहूलत नहीं सी होंगी। प्रधान सरदार कौर सिंह जी ने देश का नाँ रोशन किया अजे योधे बहुत घट जमते हैं। सूबेदार कौर सिंह जी मुक्केबाज जिन्हों पद्म श्री अर्जुन अवार्ड सेना विशिष्ट मैडल बहुत सारे मैडल जोड़े ने गए उन्होंने प्राप्त किए और पिंड का नाम पंजाब का नाम देश ने कमंतरी पद्धर दिते रोशन किया। उन्होंने जी अंतम अरदास अज हुई हैगी समुचे बहुत सारिया संगत पहुंची ने सारिया संगत धन्यवाद। उन्होंने मुक्केबाजी के खेत्र के अंदर एक इतिहास सिरजिया गया एक बहुत बड़ा मैं समझदा इंस्टीट्यूशन साबित हुए ने गए और वक् वक् एशिया लैवल के उत्ते इंटरनेशनल लैवल के उत्ते उन्होंने जो मुकाबले किए ने गए अपना लोहा मनवाया गया और इस गल का मैं समझना सबूत हैगा कि असी चाहे पैदा कितने भी होइए जेकर साडे साहस से हिम्मत आ तो असी कोई भी मंजिल जारी आ सर कर सकते हैं। सो पंजाब सरकार ने पहले ही फैसला किया सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कि उन्होंने जीवन जी जीवनी आ उन्हों क्लासा के अंदर लाया जाऊगा सिलेबस के शामिल किया जाऊगा पहले ही असी फैसला लै चुके हैं और जिस तरह हम पिंड वाले साथी साढ़े पंचायत सारे मोहतबर बंदे कहेंगे उस तरह ढुकवी यादगार जी पंजाब लैवल के उत्ते पिंड लैवल उत्ते डिस्ट्रिक्ट लैवल के उत्ते असी जी स्थापित करांगे ताकि साड़ियां आने वाली पीढ़ियां जिहड़ियां ने उन्हां तों सिक्ख्या लै सकण। कौर सिंह मेरे ताया जी सी जी। हाँ जी अज उन्हां दी अंतम अरदास हैगी है किहड़े किहड़े आगू पहुंचे हैगे ने और की कहना चाहुंदे। उन्हां दी अंतम अरदास दे विच जी अपने पंजाब दे वित्त मंत्री श्री हरपाल चीमा जी गुलजार सिंह मोणक जी उन्हां दे कोच साहब आए ने HS संधु साहब तो आर्मी तो भी बहुत सारे अफसर आए हैं तो कबड्डी कोच गुरमेल सिंह जी भी आए हैं तो होर इलाके दीआं बहुत उग्गियां शख्सियतां आईआं ने उन्हां दी अंतम अरदास दे विच शामिल होण दा असीं उन्हां दा तहे दिल तों धन्नवाद करदे हां। धूरी के देश भगत कॉलेज में पहली बार क्रॉस कंट्री मुकाबले करवाए गए जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर विशेष तौर पर शामिल हुए और विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खेडा वतन पंजाब दियाँ भी इसीलिए पंजाब में करवाई गई थी ताकि पंजाब के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आगे से भी खेलों के मुकाबले करवाती रहेगी और नौजवानों को इस ओर प्रेरित करती रहेगी। धूरी से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कॉलेज बहुत वधिया इनिशिएटिव लिया जी
डिफरेंट रेसिस कराइया ने 500 मीटर 1000 मीटर 800 मीटर सो बच्चों लिए बहुत वधिया जी जिहड़े बच्चे ने गलत रस्ते ते पए हुए ने उन्हां लिए बहुत वधिया इनिशिएटिव है कि खेडां चान स्पोर्ट्स चान चाहे कोई भी खेड होवे बच्चों जिहड़ियां बेसिक वैल्यूज़ ने डेडिकेशन है फोकस है यह जी वैल्यू स्पोर्ट्स ही सिखा सकती है पढ़ना भी जरूरी है पढ़ना सानू जिंदगी जीना सिखा दिंदा है पर असली जिउणा ते जिंदगी नूं हंडाउणा इह खेडां तों ही सानू सिखण नूं मिलदा जी। स्पोर्ट्स देखो जी पिछले दिनों च पंजाब सरकार ने खेडां वतन पंजाब दियां दा आयोजन कराया उहदे च वी बहुत बच्चों ने पार्टीसपेट किया एंड अपने इंडिया लैवल ते वी इंटरनेशनल लैवल ते वी उह खेड रहे ने अगों वी इह कम चलदा रहेगा जी हर साल इह खेडां होणगियां ते जिहड़े बच्चे ने उहनां नूं हौसला अफजाई भी की जाएगी तो जिहड़ियां चीज़ां उहनां नूं प्रोवाइड कराउण वालियां ने उह वी कराईआं जाणगे। अज क्रॉस कंट्री जी खेडा उस तो अलावा भी होर जो इवेंट बड़वाल कॉलेज के कराए गए हैं कई इलाके जोड़े बच्चे है उन्होंने एक तो जोश उन्होंने आए कि जी खेड भावना खेडा खेडन वो उस तो अलावा उन्होंने एक मोटीवेशन मिले कि जोड़ा सा अपना भविख है जोड़ा उज्ज्वल बनाने के लिए तो यह इवेंट करवाए गए अगे भी यह इवेंट करवाए जाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करदा बड़वाल कॉलेज का जी समूह लीडरशिप है इतने जिन्होंने ये बहुत वधिया इनिशिएटिव लिया है और प्रशासन वालों पूरी सहयोग अगे भी किया जाएगा जो भी ये प्रोग्राम किए जाए। जरूरतमंदों के मसीहा के तौर पर जाने जाते दुबई के कारोबारी और सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट के सरपरस्त डॉक्टर एसपीएस ओबराई के प्रयत्नों के चलते मोगा के गांव जोगीवाला से संबंधित 27 वर्षीय गुरदीप सिंह का शव दुबई से श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में पहुंचा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरबत का भला ट्रस्ट के नेता ने बताया कि गुरदीप सिंह भी दूसरे नौजवानों की तरह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगभग एक साल पहले ही दुबई गया था और गत 22 अप्रैल को अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस घटना संबंधी मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने उनके साथ संपर्क कर बताया कि मृतक गुरदीप सिंह जो कि अपने बुजुर्ग माता पिता का सहारा था उसकी मृतक देह को भारत लाने में उनकी मदद की जाए जिसके बाद उन्होंने भारतीय दूतावास के सहयोग से अपने निजी सचिव बलदीप सिंह चाहल की देखरेख में तुरंत सारी जरूरी कागजी कार्रवाई पूर्ण करवाकर गुरदीप सिंह का शव भेजा। उन्होंने बताया कि गुरदीप सिंह के शव को भारत भेजने के लिए हुआ खर्च दुबई स्थित भारतीय कॉन्सल्ट ने किया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वीर जी पिछली 22 तरीक को मेरे मामा जी के बेटे जिहड़े वीर गुरदीप सिंह सी उन्हां दी दुबई दे विच डैथ हो गई सी। उन्हां दी असीं अज डेड बॉडी लैण लई गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर साहिब जी पावन धरती से पहुँचे हुए हैं। वीर जी मेरे पिछले कुछ 2 महीने तो जाने के उन्हां दी सेहत ठीक नहीं सी रहिंदी वो दुबई की धरती से उन्होंने 22 तरीक नूं सुवास त्याग ते वीर जी साडा नां चारा चलदिआं होइआं असी वीर जी जिहड़ा लोक भलाई ट्रस्ट चैरिटेबल बनिआ वीर जी एसपी सिंह बराई साहब जी उन्हां नूं असी बेनती की जी उन्होंने साडी बेनती नूं प्रवान करदिआं होइआं वीर जी साडी बेनती प्रवान की उन्हां दे जतना सदका ते आप जी जिन्ना समुचा तुहाडा ट्रस्ट बनिआ उन्हां दे जतना सदका वीर जी अज सानूं डेड बॉडी वीर जी दी मिल गई है। डॉक्टर एस पी सिंह बराई होरां दी अगवाई वाले सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों असीं इत्थे अज अमृतसर एयरपोर्ट ते पहुंचे हाँ। साडी अमृतसर दी टीम ते नाल साडे बापू जी सर बलविंदर सिंह ये पिंड जोगेवाला मोगा उत्थों आए ने। इन्हां दा बेटा गुरदीप सिंह जिहड़ा दुबई उत्थे काम करदा सीगा पिछली 22 तरीक नूं उहदी उत्थे किसी कारण करके मौत हो गई। बड़ा दुखदाई भाणा वापरिया परिवार नाल। इस मामले के जी मृतक देह सी वो इतने मंगवानी सी परिवार के हवाले करनी सी। डॉक्टर एस पी सिंह ओबराई तो भारतीय कौंसलेट जिहड़े इत्थे दुबई स्थित ने उन्होंने साझे जतनां नाल इत्थे ये डेड बॉडी पहुंची है तो हुण इन्हां दे हवाले असीं करती आ। आतंकवादियों द्वारा फोन पर मिलने वाली धमकियों संबंधी और अपनी कोठी के बाहर रेलवे लाइन के ऊपर 2 फायर करने संबंधी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर बृजमोहन सूरी की और से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से उनके घर आकर सिक्योरिटी चेक की गई है पर पर्चे संबंधी उन्हें कोई भी बात नहीं बताई गई। अगर पर्चा दर्ज हुआ है तो वह इस संबंधी एफआईआर की कॉपी अप्लाई कर जल्दी कानूनी सलाह के बाद इसकी जांच पुलिस से करवाएंगे जिससे काफी तथ्य सामने आएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पुलिस की कारगुजारी जी हुण इनकुआरी का मैटर है जे इनकुआरी दे विच जो भी कसूरवार हुंदा वो तुहानू आपे ही पता लगेगा जे बंदे विच शो करते हैं उन्होंने वो भी पता लग जाएगा क्योंकि पुलिस ने हाले इनकुआरी नहीं की इस चीज़ की उन्हें आनन फानन दे विच परचा कटिया चलो जो भी हो गया सो हो गया कोई गल नहीं
परचे बंदियां दे पैंदे ने, मगर रह वे इनकुआरी करके असी भी इनकुआरी मार करावांगे, इनकुआरी दा मैटर दे विच इहनूं क्लीयर आउट करावांगे। अज मैनूं पता चलिया कि कोई FIR पुलिस वल्लों कट्टी गई है, अजे उस बारे पूरी जानकारी मेरे को नहीं आई, कॉपी मैं मंगवाई है, मैं DSP साहब नूं फोन कीता, कॉपी मेरे को ला लवे, उस तो बाद अपने वकीलों नूं विखा के फिर जो उहदे ते जिस तरह इनकुआरी लगवानी है जो करना है देखा जाएगा। कोई ऐसा मैटर नहीं है जे पुलिस ने जल्दबाजी परचा कट्टे है, क्योंकि इनकुआरी मेरा ख्याल है कि प्रॉपर इनकुआरी नहीं हुई, क्योंकि जे इनकुआरी होंगी तो सारा मैटर सामने आ जाना सी। पुलिस का कहना है कि उस वेल ट्रेन खड़ी सी, कोई ऐसी ट्रेन नहीं खड़ी सी, और यह कोई मुश्किल नहीं है कि ट्रेन खड़ी सी या नहीं खड़ी सी, या देख लेना चाहिए, क्योंकि ये उत्ते तो रेलवे स्टेशन भी सानू दे सकता, और ट्रेन की लंबाई जरूर वेखनी चाहिए है, क्योंकि अजकल ट्रेन शवाला फाटक तो नहीं खड़ी होंगी, अगले फाटक तो खड़ी होंगी है जी पिछे तक आती है, जो छोटी ट्रेन हो साड़ी कोठी तक पहुँचती भी नहीं, अगे निकल जाती है। तो कोई ऐसी ट्रेन मैनू तो नज़र नहीं आई, और क्योंकि बारिश भी काफ़ी सी। दूसरी गल जो उन्होंने कहा कि पुलिस नाल गई है, पुलिस मैं भी कहा कि नाल ही गई है, पर काफ़ी पिछे रही है। तुसी देखोगे CCTV फुटेज जो स्लो करके देखो, स्लो इन सेंस कि नॉर्मल स्पीड से देखो, तो तुहानू पता चलेगा कि जिस वेले मैं अपनी कोठी चो निकलिया मेरे पिछे शवाला चौंक इंचार्ज निकले ने और उत्थे ही खड़े हो गए ने, मैं पार्क तक भी पहुँच गया। पार्क च वड़न तो बाद एक तीन बंदे सी, वो दो उन्होंने गनमैन तो एक शवाला इंचार्ज, उन्हां चो एक बंदा उत्थे ही खड़ा हो गया क्योंकि DSP साहब आ गए सी अंदर वड़ के, वो बाहर आ गया, दूसरा गेट कोल खड़ा हो गया अंदर वड़ के, तीसरे रह गए शवाला चौंकी इंचार्ज, वो भी मेरे तो काफ़ी पिछे रहे। और किन्ने क सैकेंड और किन्ने मिनटां दा खेड हुंदी है, देखो जो कोई आतंकवादी हमला हुंदा है कुछ सैकेंड्स का ही हुंदा, तो बड़ी क्विकली जिहड़ा भी एक्शन लैना हुंदा बड़ी फास्टली लैना पैंदा, और जो तक सारा कुछ होया उदों तक शवाला चौंकी इंचार्ज काफ़ी पिछे सी, उस तो बाद मेरे तक पहुँचे। तख्त श्री दमदमा साहिब में अंतर्राष्ट्रीय राजपूत फ्रंट के पदाधिकारी जत्थेदार अकाल तख्त साहिब को मिले और उन्होंने विनती की कि पंजाब में कुछ वर्षों से पंजाब विरोधी शक्तियों ने राजपूत और सिखों में टकराव का माहौल बनाने की कोशिश की है, और राजपूत समाज जो कि गुरु साहिब के समय से ही गुरु घर के श्रद्धालु रहे हैं, उन्हें सिख विरोधी पेश करके कोई साजिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने जत्थेदार साहिब को मांग पत्र दिया है कि सिखों और राजपूत समाज के सांझे इतिहास पात्रों जिसमें चमकौर के राय बुद्धि चंद और बाबा राम सिंह पठानिया जैसे ऐतिहासिक पात्रों और गुरु साहिब के श्रद्धालु रहे राजपूत समाज का भी इतिहास इसमें दर्ज किया जाए। गौरतलब रहे कि चमकौर साहिब के शहीदी जोड़े में मेले में राजपूत समाज हाजिरी लगाता रहा है, लेकिन पिछले 50-60 सालों से इनमें एक दूरी बन गई है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि फिर से सिख इतिहास और गुरु घर के साथ सौहार्द रिश्तों की भावनाओं के साथ उनकी श्रद्धा को भी जगह दी जाए। जी असी जी लैके आए बेनती के जो साढ़े बजुर्ग होए है चमकौर साहब वाले राय बुद्धि चंद जी, बसाली वाले राय राजा सलाई चंद जी, भबोर साहब वाले राय साहब, ये सारे जिहड़े चमकौर रायपुर राणी जिते भी गुरु साहब रुके हुए है जिन्हें अपने गुरमीतां दे रुके हुए है कि उन्हों का यादगार बनाया जाए। तो सिंह साहब का बड़ा पॉजिटिव रिस्पोंस होया, तो असी चाहते सी जो रायकोट के राय कला जी मंझ की उत्थे सेंट्रल सिख म्यूजियम च एक पेंटिंग है उत्थे उन्हों का मेमोरियल बनाया वा। इस तरह साढ़े चमकौर गढ़ी वाले राय होए है चमकौर गढ़ीए, तो बाकी जिते भी गुरु साहब रुके उन्होंने भी उत्थे बने जाण, ते सिंह साहब ने पूरा आश्वासन दिया सानू कि वो करूंगे इस पे काम। नीमा पंजाब की एक विशेष मीटिंग जालंधर के एक निजी होटल में नीमा अध्यक्ष डॉक्टर परविंदर बजाज की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पंजाब की विभिन्न शाखाओं की नीमा ब्रांच के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया गया, जिसके पश्चात सचिव डॉक्टर अनिल नागरथ ने आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिसके पश्चात नीमा पंजाब की वुमेन प्रधान डॉक्टर वीना गुम्बर ने डॉक्टर वुमेन सेल मलेरकोटला तथा फगवाड़ा ब्रांच का गठन किया तथा नव निर्वाचित महिला सदस्यों को सम्मानित किया, जिसके पश्चात नीमा पंजाब के पैटर्न तथा बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव गोयल ने हाउस के सदस्यों की नई क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी दी और सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दिया, जिसके बाद डॉक्टर अनिल नागरथ ने
MBS के बारे में जानकारी दी और इसकी महत्ता के बारे में बताया। इस मौके पर डॉक्टर अनिल ज्योति, डॉक्टर KS राणा, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर दयाल अरोड़ा, डॉक्टर मोहिंदर निर्मल, डॉक्टर आशु चोपड़ा सहित नीमा के सभी सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तो हर बार जिते भी यह इन्हों स्टेट की मीटिंग होंगी है तो क्योंकि ये मेरे प्रैक्टिशनर है उतो बोर्ड तो रजिस्टर्ड है डे टू डे इन्हों जिहड़ियां भी प्रॉब्लम्स आंदियां है वो मेरे अगे रखते हैं तो मैं वो इन्हां दे थ्रू सरकार नूं पहुंचाना है ताकि मेरे जो प्रैक्टिशनर नूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आवे। जितों तक इन्हां दो मसले जिहड़े इन्होंने दसे है, क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट बिल 2010 दे विच सेंटर वल्लों लागू होया सी लेकिन हले कुछ स्टेटां दे विच इह इंप्लीमेंट नहीं होया, पंजाब दे विच भी नहीं इंप्लीमेंट होया लेकिन सेंटर लैवल ते है अल्टीमेटली यह इंप्लीमेंट होएगा। शायद बहुत प्रैक्टिशनर नूं यह लगता है कि यह जिहड़ा साडे लई बैटर नहीं होएगा बट मेरा परसनल ओपीनियन है कि जो सरकार रूल्स बनाती है वो अपने प्रैक्टिशनर वास्ते वो पैथी वास्ते अच्छे ही होंगे है। नैशनल इंटैग्रेटिड मैडिकल एसोसीएशन पंजाब की स्टेट ईसी मीटिंग है। स्टेट ईसी मीटिंग का मतलब यह होंगे कि जितने भी साढ़े जिन्हें भी साढ़े ब्रांचेज ने तकरीबन 42 ब्रांचेज पंजाब काम कर रही हैं, पहले 11 मैंबर उत्ते एक स्टेट ईसी मैंबर हों, उस 30 मैंबर से दूसरा, फिर एवरी 30 मैंबर उत्ते एक स्टेट ईसी मैंबर मिलता हर ब्रांच में। वो यानी कि चुन के आए या छन के आए ये साढ़े नीमा दे वर्कर होंगे या कार्यकर्ता होंगे या डॉक्टर्स होंगे है जिन्हों की असी हर 3 महीने बाद मीटिंग रखते हैं। वो अज जो मीटिंग है वो दो बड़े क्रूशियल असी मुद्दे लै रहे हैं। एक नवा क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट आया है, वो आया तो 2010 तो है लेकिन इंप्लीमेंट होने करन जा रहे हैं। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें रोहित कालिया, ऋषु कालिया, राजीव शर्मा और सोनू शर्मा ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य वेद व्यास और सौरभ ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को सम्पन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आचार्य नरेश आर्य, हिमाचल वाले सहित सुरेंद्र खन्ना, चौधरी हरिचंद, सुनीता भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, ललित मोहन कालिया, सुभाष आर्य, अनु आर्य, बैजनाथ, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, अर्चना मिश्रा, प्रोमिला मेहता, अंजू देवी, कुबेर नलनी सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमारा व्रत है प्रभु, हम आपके आशीर्वाद को, आपके आनंद को पा सकें, हे जगदम्बा माता आपके आशीर्वाद को पा सकें, उसलिए आज हम भी संकल्प करते हैं कि हम भी अपने जीवन को व्रतों पर चलाएं, जैसे आप सारे संसार को नियमों से चला रहे हो वैसे हम भी अपने सब काम समय पर करेंगे। संसार में अनेक ऋतुएं हैं, अनेक ग्रह हैं, लगभग 1,96,000,000 वर्ष से संसार चल रहा है और एक प्लेनेट दूसरे से टकराता नहीं। लगभग समय पर ऋतुएं आती हैं, समय पर सब काम होता है। अगर व्यक्ति वातावरण से छेड़छाड़ ना करे तो जो कुछ आज हमारी ऋतुएं हमें कष्टदायी हो रही है ये कष्टदायी ना हो।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर की थाना छेहरटा पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 2 किलो 400 ग्राम हेरोइन की बरामद। जीरा तलवंडी रोड पर गत रात्रि अज्ञात चोरों ने गेहूं की फट से 150 बोरी गेहूं और टाइलों के बंडल किए चोरी, पुलिस जांच में चुटी। संगरूर के गांव खनाल कला के अर्जुन अवार्डी मुक्केबाज कौर सिंह की हुई अंतिम अरदास, भारतीय सेना के प्रशासनिक राजनीतिक पदाधिकारी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।